आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ 24 मोड्स इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो गाइस, शुरू करने से पहले हमारा वर्ल्ड कुछ ऐसा दिख रहा है, एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की तरह, लेकिन एंड होते होते तक हमारा वर्ल्ड कुछ अलग ही तरीके का दिखने वाला है। और उसको देखने के लिए आपको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना होगा। वैसे तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली इसका कंक्लूजन देख सकते हो, लेकिन गाइस स्टेप बाय स्टेप देखने में अपना अलग ही मजा है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं इंस्टॉल करने वाला हूं 24 मॉड्स इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Here we go. सो गाइस, हमारा फर्स्ट मॉड है एक शेडर पैक, और मैंने सबसे लाइट से लाइट शेडर पैक को यूज करने की कोशिश की है, तो इससे सिर्फ हमारा स्काई यानी कि सन और मून ही चेंज होगा। हमारा सेकंड मॉड है जावा बोट क्राफ्टिंग मॉड। तो गाइस, अगर आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते हो तो आपको पता होगा कि हमें बोट को क्राफ्ट करने के लिए एक शवल चाहिए होती है, लेकिन जावा एडिशन में ऐसा नहीं चाहिए होता। तो इस मॉड की मदद से भी ऐसे ही होने वाला है, हमें शवल की अब कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमारे थर्ड एंड फोर्थ मॉड जो डैमेज इंडिकेटर एड ऑन और ड्यूरेबिलिटी व्यूअर। तो गाइस, इनके नाम से आपको जैसा पता चल रहा है, ये बिल्कुल वैसे मॉड्स हैं। जो डैमेज इंडिकेटर है वो हमें हमारे सारे के सारे टूल्स और आर्मर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जो डैमेज इंडिकेटर है गाइस, उसकी मदद से हम सारे एनिमल्स की, सारे मॉब्स की ड्यूरेबिलिटी देख सकते हैं और डैमेज देख सकते हैं कि उनको डैमेज कितना चाहिए और कितने हार्ट्स उनके पास रिमेनिंग है। नंबर फिफ्थ में हमारे पास आता है एक बहुत ज़्यादा कूल ऐड ऑन, जो कि है कस्टम डेथ ऐड ऑन। तो गाइस, इससे आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे मॉब्स को एक डिफरेंट एनिमेशन मिल चुके हैं, जिससे वो मरते टाइम बिल्कुल अलग अलग तरीके से मरेंगे। आप देख सकते हो गाइस, ज़ॉम्बी स्केलेटन जो कि हार्मफुल मॉब्स होते हैं, उन सबकी एनिमेशन तो सबसे अलग है गाइस। स्पाइडर की आप देख सकते हो, और साथ ही साथ स्केलेटन की भी सारी हड्डियाँ टूट के बिखर जाती है, और मेरे को पता नहीं क्रीपर मरने के बाद भी क्यों फट गया। नंबर सिक्स पे आता है हमारा डायनामिक ट्रीज ऐड ऑन। तो गाइस, इससे हमारे जो ट्रीज हैं उनकी लुक कुछ ऐसी हो जाती है, और इनको तोड़ते ही ये रियलिस्टिक ट्रीज की तरह से टेढ़े गिर जाते हैं, सारे लॉग्स हवा में उड़ते हुए आपको नहीं दिखने वाले। और चिंता मत करो, आप तोड़ते एक ही ब्लॉक हो, लेकिन आपको सारे के सारे आइटम्स मिल जाते हैं। गाइस, हमारा सेवन्थ मॉड है आइटम फिजिक्स मॉड। तो गाइस, इससे हमारे जो आइटम्स हैं उनको जब हम थ्रो करते हैं तो कुछ इस तरीके से गिर जाते हैं, और जब हम उन पर क्लिक करते हैं तो हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। आप देख सकते हो आर्मर भी गिरा हुआ, कितना सही लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि इनविजिबल आइटम फ्रेम्स वाले मॉड को मैंने यहाँ पर डाला, लेकिन ये अलग मॉड है। नंबर एट पे गाइस, हमारे पास है ऑटो इन्वेंट्री मॉड। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और कूल मॉड है। तो गाइस, इस मॉड से होता ये है कि जब भी हम किसी ब्लॉक को ब्रेक करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी इन्वेंट्री में आ जाता है। मतलब हमें उस आइटम के लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं, उसके पास जाके उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी मैंने डर्ट को ब्रेक किया, वो डायरेक्टली मेरी इन्वेंट्री में आ चुकी है। मतलब अब अगर हम डायमंड्स को माइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, नीचे लावा भी हो तो भी वो डायरेक्टली हमारी इन्वेंट्री में आ जाएंगे, और इससे हमारे आइटम्स का डिस्ट्रॉय होना बच सकता है। गाइज, नंबर नाइन्थ के लिए मैंने चूज़ किया ग्लोइंग ऑर्स मोड को। और गाइज, इस मोड से हमारी सारी की सारी ऑर्स ग्लो करने लग जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। तो ओके गाइज, यहाँ पे हमारा टेंथ मोड आ चुका है, जो कि है लाइट एमिटिंग शील्ड्स। तो गाइज, इससे होता ये है कि जैसे कि आपको पता होगा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हम लेफ्ट हैंड के अंदर किसी भी टॉर्च को या किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन गाइज ये वाला जो मॉड है ये हमारी सारी की सारी तकलीफों को दूर कर देगा। ये गाइज, ये हमें प्रोटेक्शन तो देती है शील्ड, उसके साथ साथ ये शील्ड्स अब ग्लो भी करने लग जाएंगी, तो मतलब ये हमें रास्ता भी दिखाएंगी, तो हमें अपनी टॉर्चेस को वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है गाइज। नंबर 11 पे गाइस, हमारे पास है रिसाइकल रेसिपीज मॉड। तो गाइस, आपको पता होगा कि हमें रियल लाइफ में भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए। कुछ ऐसा ही है हमारा ये वाला मॉड, बस हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो, हम बची कुछ लीव्स, डेड बुशेज, इन सब को यूज़ करके हम बहुत सारे अपने ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नॉन क्रिएटेबल होते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया मेरे को मॉड लगा दिखने में, तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट ऐड इट इन आवर माइनक्राफ्ट। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से ऐड कर लिया, और आप देख सकते हो ये mcpdl.com की वेबसाइट है, जहाँ पे इसके सारे के सारे जो क्राफ्टिंग रेसिपीज है वो गिवन है। सो गाइस, नंबर 12 पे मैंने यूज किया मॉब टावर्स ऐड ऑन। तो गाइस, इससे हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर रैंडमली ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जनरेट हो जाते हैं टावर्स, जिसके अंदर बहुत सारे मॉब स्पॉनर्स होते हैं, जो कि मॉब्स को स्पॉन करते रहते हैं। और गाइस, इससे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लूट देखने को मिलती है, लेकिन ये रेयर भी है तो इनको ढूंढना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सो गाइस, नंबर 13 पे हमारा ब्रिज मॉड। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इस ब्रिज मॉड को ऐड किया है, जिसकी मदद से हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे कस्टम ब्रिजेस ऐड हो चुके हैं, तो इन ब्रिजेस को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान। और गाइस, इनकी क्राफ्टिंग रेसिपीज भी होती है, जिनकी मदद से हम इन्हें बहुत ही आसानी से सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, नंबर 14 पे हमारे पास है टेमेबल एंड स्मार्ट आयरन गोलेम ऐड ऑन। तो गाइस, इससे हमारा जो आयरन गोलेम है वो जावा एडिशन की तरह डैमेज लेता है, और उसको हम आयरन के ब्लॉक या फिर आयरन के इंगट्स खिला के हील अप भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अपेरेंटली वेबसाइट के हिसाब से हमें जब ये आयरन की स्टिक इसको दिखाते हैं तो हम इसको टेम करके राइड कर लेना चाहिए, लेकिन गाइस ज़्यादा मॉड्स डालने की वजह से ये फीचर वर्क नहीं कर रहा है।
सो गाइस नंबर 15 पे मैंने ऐड किया विलेज गार्ड्स एड ऑन। तो गाइस क्योंकि हमने टेमेबल गोलम्स को बना लिया था, तो मतलब विलेजर्स के लिए सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनको भी सिक्योरिटी मिलनी जरूरी है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया ये वाला मॉड जिससे हम स्वॉर्ड्समैन और साथ साथ आर्चर्स को स्पॉन कर सकते हैं, जो कि हमारे विलेजर्स की प्रोटेक्शन करेंगे। और आप देख सकते हो जैसी नाइट होती है मैंने इनको स्पॉन किया और ये अपने आप ही ढूंढ ढूंढ के ज़ॉम्बी स्केलेटन्स क्रीपर सबको मार रहे हैं। गाइज नंबर 16 पे मैंने ऐड किया बॉटनी पॉट्स एड ऑन को। तो गाइज इसकी मदद से हमारे पास कुछ इस तरीके के पॉट्स आ जाते हैं जिसके अंदर हम डर्ट डाल के स्पेशल सैपलिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, और गाइज इन सैपलिंग्स हमें बोन मिल डालने पे सारे के सारे गुड्स भी मिलने वाले जो कि हमें उस टाइप के ट्री से मिलते हैं। तो इसकी मदद से हम बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया में एक ट्री फार्म बना सकते हैं। गाइज नंबर 17 के लिए हमारे पास है स्वैम बोट एड ऑन। तो गाइज इससे होता ये है कि हमारे पास कुछ इस तरीके की बोट्स विद चेस्ट आ जाती हैं। तो गाइज इससे हम बहुत सारे आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और ट्रिप्स पे भी जा सकते हैं रिवर्स के अंदर या ओशंस के अंदर। बट गाइज इन बोट्स को हम क्राफ्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इस एड ऑन का नाम है स्वैम बोट एड ऑन। तो गाइज ये बोट्स हमें रैंडमली कहीं पे भी स्वैम बायोम के अंदर रिवर्स के अंदर स्पॉन मिल जाने वाली है, तो हम इससे क्राफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। नंबर 18 पे गाइज मैंने ऐड किया थ्रोएबल टॉर्चेज एड ऑन को। तो गाइज इस एड ऑन की मदद से हमारे पास तीन टाइप की स्पेशल टॉर्चेज आ जाती है जिनको हम थ्रो करके कहीं पे भी लगा सकते हैं, और जहाँ पे भी ये जाके लगती है वहाँ पे ये ऑब्वियसली रोशनी कर देती है। तो इसकी मदद से हम बहुत बड़े एरिया को बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी रोशनी से पूरा भर सकते हैं, और इससे हमें टॉर्चेज लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। नंबर 19 के लिए गाइस हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मॉड है जिसका नाम है प्लेयर एनिमेशन एड ऑन। तो गाइस इसकी मदद से हमारी प्लेयर की एनिमेशन बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाती है। कुछ दिनों पहले गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने माइनक्राफ्ट की कॉपीज को कंपेयर किया था, और उसके अंदर आपको पता ही होगा कि हमारे कई सारे गेम्स के अंदर ऐसी वाली एनिमेशन थी जिससे कि जैसे ही प्लेयर हमारा उड़ता था वैसे वो पूरा फ्लाइंग की पोजीशन में आ जाता था, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने ये वाले एड ऑन को ऐड किया है। और गाइस फ्लाइंग के अलावा बाकी भी एनिमेशन इसके अंदर बहुत ही बढ़िया, जैसे कि आप देख सकते हो उतरते ये बिल्कुल फ्लाइंग जेट की तरह एंट्री लेते हैं, और गाइस इसकी एनिमेशन बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। आप देख सकते हो भागते समय भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लेयर बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से भाग रहे हैं, जैसे कि GTA San Andreas वगैरह में भागते हैं, बाकी GTA गेम्स में भागते हैं, तो इससे हमारा पूरा माइनक्राफ्ट रियलिस्टिक बन जाता है। सो गाइस नंबर 20 में मैंने ऐड किया AI एनिमेशन एड ऑन। तो गाइस पिछले एड ऑन में जैसे कि हमारे प्लेयर की एनिमेशन चेंज हो गई थी, बहुत ही बढ़िया हो गई थी, कुछ उसी तरीके से हमारे इस वाले मॉड से एनिमल्स की एनिमेशन बढ़िया हो गई है। मैंने सोचा कि एनिमल्स के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। सो गाइस नंबर 21 पे मैंने ऐड कर दिया वुल्फ आर्मर एड ऑन को, जिसकी मदद से हमारे पास वुल्फ के लिए भी आर्मर आ चुके हैं जिससे कि हमारे वुल्फ्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है, और अगर हम एक्सीडेंटली उनको हिट करते तो वो मरेंगे नहीं। नंबर 22 पे मैंने ऐड कर दिया इंप्रूव्ड एनिमल्स एड ऑन, जिसकी मदद से हमारे जो माइनक्राफ्ट के ऑलरेडी मॉब्स होते हैं एनिमल्स होते हैं वो और ज्यादा रियलिस्टिक दिखने लग जाते हैं। बट गाइज दिस वॉजेंट इनफ, तो मैंने ऐड कर दिया वर्ल्ड एनिमल्स एड ऑन। तो गाइज इसकी मदद से हमारे पास बहुत सारे तरीके के, और बहुत सारे से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा सारे तरीके के एनिमल्स ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हो मैं अब हर एक का नाम तो नहीं दिखाने वाला, पर आप स्पॉन एग्स उनका नाम देख सकते हो, राइनो वगैरह हमारे पास आ चुके हैं, और इनका मैं जल्दी से बस एक एक सेकेंड की क्लिप दिखा के आपको सारे के सारे एनिमल्स दिखा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे क्रोकोडाइल को स्पॉन करते सारे एनिमल्स ने क्रोकोडाइल के खिलाफ टीम अप कर लिया और उनको मारने लग गए। फाइनली गाइज द मोमेंट हैज अराइव्ड, हमारा 24th मॉड यहाँ पे मैंने डाल दिया जिसका नाम है रियलिस्टिक क्राफ्ट मॉड। बट गाइज इससे पहले कि ये मॉड वर्क करता मैं यहाँ पे इसके कंटेंट्स को सर्च करा था, और हमारा जो गेम है वो क्रैश कर गया। सो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो, होप करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में मजा होगा, और अगर आपको मजा आया तो गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।
सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।